सब्सक्राइब कीजिए न्यू साइंस क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय टू चैनल न्यू साइंस क्लासेस। मैं चंदन सिंह, आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th 10th और 12th के बच्चों के लिए। तो आइए देखते हैं हम थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। इसकी ज़रूरत जो है पड़ी पहले, इसका कॉन्सेप्ट है कि कुछ लोग पहले के जो थे वो जुआरी और सटारी लोग जो थे वो जुआ खेला करते थे, और संभावनाओं की जानकारी के लिए उन्होंने कुछ गणितज्ञों के पास अपना मत रखा कि जो हम जुआ खेलते हैं तो उसके बारे में कुछ बताया जाए कि संभावना कैसे प्रकट होगी। तो उन्होंने एक नई विधा दी जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो ये देखते हैं प्रोबेबिलिटी को हल करने के लिए सबसे पहले हमें 10 समिश्र निकालना होता है। वो होता क्या है, किसी प्रयोग के समस्त परिणामों के समुच्चय के प्रतिदस समिश्र कहते हैं। इसे हम एस से दर्शाते हैं। एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो उसमें दो कंडीशन बनती है, या तो वो हेड आता है या तो वो टेल आता है। तो उसकी दो कंडीशन बनी। फिर दो सिक्कों के उछालने पर वो हेड हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, हेड टेल हो सकता है और टेल हेड हो सकता है। इस प्रकार उसकी कंडीशन बनी चार। एक पासे को उछालने पर उसके छह फलक होते हैं, छह संख्याएं होती हैं, तो छह हो सकता है। किसी घटना E की प्रायिकता PE बराबर NE / NS होती है। NE का मतलब होता है अनुकूल प्रायिकता और उसके बाद में होता है कुल प्रायिकता। आइए देखते हैं रिमार्क के बारे में। रिमार्क वन में है जीरो और जीरो इक्वल टू है PE के और वन के, यानी कि जीरो नहीं हो सकता है, प्रायिकता का कोई मान जीरो नहीं हो सकता है और वन से बड़ा नहीं हो सकता है और वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। रिमार्क यह पी नॉट, ये जीरो उसका मान नहीं हो सकता प्रायिकता का किसी भी, और वो एक से बड़ा नहीं हो सकता है। और यहाँ पर है ये फार्मूला दिया गया है PE बार, यानी कि घटना के ना घटित होने की प्रायिकता जो होती है उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एक से घटना के घटित होने की प्रायिकता को निकालते हैं। अगला है घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग जो है वो वन होता है।